आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख के समझ ही गए होंगे कि मेरी पैरट फिश ऑलमोस्ट डाई हो चुकी थी। किस तरह से मैंने अपनी पैरट फिश को सेव करा है इस क्रिटिकल सिचुएशन से, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरह से हम किसी भी फिश को इस टाइप की क्रिटिकल सिचुएशन से रिकवर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल, वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी, योर एक्वेरियम चैनल। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है और हर एक एक्वेरियम लवर ने कभी ना कभी ये सिचुएशन जरूर फेस करी होगी अपनी फिशेस के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा एक गलत डिसीजन से हम अपनी फिश खो देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ आखिर हुआ क्या था। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले अपनी फिशेज को फीड दे के जाता हूँ। सुबह सब कुछ ठीक था, बट जब मैं शाम को आता हूँ तो मेरी एक आदत है फ्रेंड्स कि मैं 2 से 3 घंटे एक्वेरियम के सामने ज़रूर बैठता हूँ। तब मैं फेस करता हूँ कि यार सारी फिशेज ठीक है, बट एक फिशेस ऑलमोस्ट कोना पकड़ के बैठी है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही। और जैसे ही मैं उसे चेक करने के लिए हाथ डालता हूँ टैंक में, मैं नेट का यूज़ नहीं करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मुझे नेट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैसे ही मैं उसे चेक करने के लिए टैंक में हाथ डालता हूँ तो फ्रेंड्स वो फिश ईजिली मेरे हाथ में आ जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको वो सिचुएशन बता नहीं सकता हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो फिश मेरे हाथ में आई थी कि यार क्या हुआ, इतनी लंबी जर्नी, इतने टाइम से ये फिश मेरे टैंक में, अचानक क्या हुआ। सुबह फीड भी लिया, फिर क्या हुआ, अमोनिया नाइट्रेट हाइक नहीं हुआ, क्योंकि अगर अमोनिया नाइट्रेट हाइक होता तो सारी फिशेस को प्रॉब्लम होती ना ही कि एक को। तो मैंने फटाफट चेक करा फ्रेंड्स, वो फिश ऑलमोस्ट डाई हो चुकी थी। 95% फिश मेरे हाथ से निकल चुकी थी, सिर्फ 5% चांसेस थे कि मैं अपनी फिश को सेव कर पाता था, क्योंकि फ्रेंड्स उसके गिल्स हल्के हल्के मूवमेंट कर रहे थे, चल रहे थे। तो मैंने वहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे से फटाफट अपने डॉक्टर टैंक में शिफ्ट करा। जो पिक आपने थंबनेल पे देखी वो मेरे डॉक्टर टैंक है। जब मैंने उसे शिफ्ट करा तो फ्रेंड्स वो पूरी तरह से नीचे लेट गई थी बॉटम पे, और ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी। वो वीडियोज़ मेरे पास नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने उस टाइम कैमरा नहीं ऑन करा था। मेरे लिए सबसे पहला प्रेफरेंस था मैं अपनी फिश की लाइफ सेव कर सकूँ, देन ये सब चीज़ें। फिर फ्रेंड्स जब मैंने उसे टैंक में अपना शिफ्ट करा तो वो ऑलमोस्ट नीचे लेट चुकी थी, बॉटम पे फिश लेट चुकी थी। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई फ्रेंड्स कि पता नहीं एक्चुअल में हुआ क्या। तो फ्रेंड्स फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे मैंने उसमें साल्ट ऐड करा अपने डॉक्टर टैंक में। मैं 1 फीट में 50 ग्राम साल्ट रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको साल्ट यूज़ करना है तो 1 फीट में 50 ग्राम करीबन आप डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे हैवी डोजेज यूज़ करे क्योंकि मेरी फिश ऑलमोस्ट आई हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे ओवरडोज करा, मैंने यहाँ पे 70 ग्राम नमक यूज़ करा, 70 ग्राम नमक मैंने यूज़ करा। फ्रेंड्स साल्ट एंटीबायोटिक का काम करता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हमारी फिशेस को रिकवर होने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए फ्रेंड्स साल्ट हमारी फिशेस के लिए बहुत यूजफुल है, हमारा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है साल्ट। आप कोई भी मेडिसिन यूज मत करिए, सबसे पहले साल्ट यूज़ करिए अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ होती है, और थोड़ा हो सके तो ओवरडोज करिए। साल्ट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हाँ, बट आपके फिशेस के रिकवर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज करा है एक्वास्टेसिन मैंने हैवी डोज में यूज करा है। इसके यूजेस हैं 1 ml फॉर एवरी 2 gallon वाटर, अप्रॉक्स 8 liter वाटर में 1 ml यूज करा जाता है। मैंने यहाँ पे 5 ml यूज करा है, हैवी क्वांटिटी डोज दिया जिससे कि फिश के रिकवरी रेट बढ़ सके, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे एक्वास्टेसिन में हैवी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बायोबैंडिज प्रॉपर्टीज होती हैं और नेचुरल एलोवेरा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ करा है जो कि हमारे फिश के रिकवरी रेट को और भी फास्ट कर देगा, जो कि हमारे हाथ में सिर्फ 5% फिश थी उस रिकवरी रेट को और भी हाई करेगा। बट मैं फ्रेंड्स यहाँ भी श्योर नहीं था कि एक्चुअल मेरी फिश को क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था अपनी फिश के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं फिश को खोने का दर्द एक रिलेशन सा हो जाता है। बट मुझे लगा हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो मैंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे यूज करा है बैक्टोसेफ BS। जी हाँ फ्रेंड्स बैक्टोसेफ BS, इसे भी मैंने ओवरडोज दिया है फ्रेंड्स। इसके यूजेस हैं 1 ml फॉर एवरी 10 liter वाटर, मैंने यहाँ पे 3 ml यूज करा है अप्रॉक्स 30 liter के करीबन का। इसी मैंने थोड़ा सा ओवरडोज दिया अपनी फिशेस को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने साल्ट भी ओवरडोज दिया है, एक्वास्टेसिन भी ओवर दिया है और बैक्टोसेफ भी ओवरडोज दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स ओवरडोज दिया है, बट ये कहीं भी गलत नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं दिया, मैंने कुछ क्वांटिटी ओवरडोज दिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 95% फिश तो मैं अपनी खो ही चुका था। अगर मैं ये स्टेप नहीं कवर करता तो शायद मैं अपनी फिश को सेव भी नहीं कर सकता था। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपने टैंक की लाइट ऑफ कर दी और अपने मेन टैंक में गया सारी फिशेज को चेक करने की। किसी और को तो ये प्रॉब्लम नहीं, बट सब कुछ ठीक था, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर समझ नहीं आया कि एक्चुअल में हुआ क्या, पूरे दिन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अगर
ऑक्सीजन लेवल कम था तो सभी फिश के लिए कम था, अमोनिया हाइक था तो सभी फिश के लिए था, अगर नाइट्रेट भी हाइक था तो सभी फिश के लिए था, बट सिर्फ एक ही फिश को क्यों इफेक्ट हुआ, क्या हुआ है टैंक में उन 9 घंटों में कि फिश ऑलमोस्ट डाई होने की सिचुएशन में आ गई। मैंने उसे फिर चेक करा, कहीं पर भी चोट के निशान वगैरह नहीं थे। ये सब चीज़ें करने के बाद मैंने अपनी फिश को 36 घंटे फीड नहीं दिया है। जब मैं दूसरे दिन रात में अपनी फिश को चेक करता हूँ तो वो रिकवर होना स्टार्ट हो चुकी थी। जिस तरह से हमने पहले दिन देखा कि फिश पूरी तरह से बॉटम पे लेटी हुई थी, वो सिचुएशन नहीं थी, फिश स्विमिंग कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने फीड दिया तो फीड एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी फिश इस तरह की सिचुएशन से रिकवर हो तो तुरंत फीड नहीं लेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी भी फिश ने फीड नहीं ली थी तो मैं वहाँ पर परेशान नहीं हुआ, मैंने इंतज़ार करा। फिर मैंने तीसरे दिन वाटर चेंज करा, मैंने यहाँ पे 40% वाटर चेंज करा अपने। अब हम ये रेमेडीज एज पर कंपनी रिकमेंडेशन यूज करेंगे, ओवरडोजेस नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी फिश डेंजर जोन से बाहर आ चुकी है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसे ओवरडोज करने के अलावा। बट हमारी फिश अब काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है, अब हम इस रेमेडीज को यूज़ करेंगे एज पर कंपनी रिकमेंडेशन। और फ्रेंड्स एक्वा स्ट्रेसनल के अलावा अब हम और कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, लाइक साल्ट, बैक्टोसेफ, ये हम दोनों ही यूज़ अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी फ़िश काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है। अब हमें इन दोनों की ही ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्वा स्ट्रेसनल से ही हमारी फ़िश पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। उसके 12 घंटे के बाद मैंने फ़िश को फीड दी, फीड तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी फ्रेंड्स, तो थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल हुई थी कि मैंने कहा अगर इसने एक दिन और फीड नहीं दिया तो मुझे इसके फीड के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक दिन और वेट करते हैं, अगर अगले दिन फीड नहीं लेती है तो कुछ ना कुछ करेंगे फीड देने के लिए फिश को। बट जब मैं नेक्स्ट अपनी फिश को देखता हूँ तो वो काफ़ी ठीक थी, पूरे टैंक में घूम रही थी, कोई भी ऐसा मुझे देखने में प्रॉब्लम नहीं लगा। हाँ एक चीज़ लगी फ्रेंड्स, वो अपने कलर पूरी तरह से लूज़ कर चुकी थी, वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स ये इतना टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे जैसे फिश रिकवर होगी वो इस सिचुएशन से कलर भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स जब मैं अपनी फिश को 7वें दिन देखता हूँ तो मेरी फिश 7वें दिन 100% रिकवर हो चुकी थी, अच्छे से स्विमिंग कर रही थी, फूड ले रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे। तो मैंने डिसाइड करा कल मैं अपनी इस फिश को अपने मेन टैंक में शिफ्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी फिश को रिकवर कर सकते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो इन्हें रेमेडीज दी हैं वो ओवरडोज क्यों दी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 95% फिश मेरे हाथ से निकल चुकी थी, सिर्फ 5% चांसेस थे मुझे अपनी फिश को रिकवर करने के। अगर मैं वहाँ पर ये डिसीजन ना लेता तो शायद फिश रिकवर नहीं हो सकती थी और आज वो हमारे बीच में भी ना होती। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि ओवरडोज कोई भी चीज़ ऐसे नहीं देनी चाहिए, बट फ्रेंड जब डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो, या तो करो या तो मरो, तो वहाँ पे हमारे लिए सिर्फ यही एक सिचुएशन है कि हम अपनी फिश को इस तरह से रिकवर कर सकें। देखिए फ्रेंड्स जब कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी के लिए भी, आपने हॉस्पिटल में ये सिचुएशन कभी ना कभी जरूर देखी होगी कि जब भी हमारा दिल वर्क करना बंद करता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक हमारे लिए हार्मफुल है नॉर्मली, बट ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे हमें दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इस ट्रीटमेंट ने भी हमारी फिश के लिए काम करा है, उससे इतनी जल्दी हमारी फिश रिकवर हो गई है। नहीं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपने भी कई बार इसी सिचुएशन में फिश खोई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते आखिर हुआ क्या, और डिसीजन लेने में लेट कर देते कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। बट फ्रेंड्स मेरे ये समझ नहीं आया कि ये सिचुएशन आखिर हुई कैसे, अमोनिया और नाइट्रेट भी हाइक नहीं था टैंक में, पावर भी कट नहीं हुई थी, ऑक्सीजन लेवल भी नहीं कम हुआ था, तो हुआ क्या? अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हमारी फिशेज को हुई थी तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ थी, सिर्फ एक फिश पे इफेक्ट नहीं करेगी, उसमें और भी पैरट्स थी तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रेंड्स पैरट एक प्लेइंग फिशेज है, कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाती है, तो हो सकता है कि वो ग्लास से टकरा के शॉक में आ गई हो, इस वजह से उसकी ये हालत हो गई हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ और लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब आप ये पूछेंगे कि
ये जो मैंने बैक्टोसेफ और एक्वा स्टेसल यूज कराई ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। मैं इनका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने अपनी पैरट फिश को सेव कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ उसे दोबारा अपने टैंक में देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है फिशेज के साथ। कोई भी चीज़ आपके घर में लॉन्ग टाइम से हो, वो एक फैमिली का पार्ट हो जाता है, फैमिली मेम्बर हो जाता है। तो इसी तरह से मेरी फिशेज और मेरे बीच में भी एक रिलेशन है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या फील होता है। अगर आपकी गोल्ड फिश को, पैरट फिश को, सिकलेट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जानते कि यार क्या हो गया, आप इसके लिए कोई भी महंगी से महंगी रेमेडीज ले आते, बट अगर वो नहीं सेव होती तो बहुत दुख होता है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हड़बड़ाइए मत, सोचिए पहले हुआ क्या है। टैंक देखिए, अमोनिया नहीं है, नाइट्रेट नहीं है, ऐसी कोई भी विजिबल प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है, तो ये ट्रीटमेंट दीजिए। मैं श्योर हूँ फ्रेंड्स, आप अपनी फिश की लाइफ सेव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।